ये हम कुछ खरे गरम मसाले और कुछ बेसिक से मसाले लेकर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट बन गई है। फिर हम रात भर फुला हुआ चना में अदरक और मिर्ची डालकर हम पानी लेंगे, पेस्ट बनाएंगे। थोड़ी सी नमक भी हम इसमें डाल देंगे। का क्या दिखाती है, छोड़ दो छोड़। तो हम ये दाल पीस लिए हैं, अभी और जो दाल बची हुई है हम उसे भी पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें तेल डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें तेल डाल दिए हैं। अब हम इसमें जो हम दाल जो हम पीसे हैं वो हम इसमें डालेंगे। पहले तेल मिला लेते हैं। अब ये पीसी हुई दाल को हम इसमें डाल देंगे और 5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। अब देखिए मेरी जो ये दाल है ये भून चुकी है, इसलिए एकदम पूरी इकट्ठी हो रही है, यानी कि दाल पूरी भून चुकी है मेरी। तेल लगा करके गैस कर दिए हैं और ये दाल थाली में पलट देंगे। पलटकर ये गरम है तो आप कलछी की मदद से कर सकते हैं। इस तरह बैठा लेंगे, हमें हैबिट है तो हम हाथ से ही कर रहे हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई चढ़ा करके उसमें हम थोड़ी सी तेल डालेंगे। फिर हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे इसमें। ये पंचफोरन है, ये हम डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे, क्योंकि चना दाल है तो उसे पचने के लिए हींग ज़रूरी है, इसे ज़रूर डालिएगा। आप पीसी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं एक लाल मिर्च इसमें दी थी, वो हरी मिर्च जो कि काफ़ी तीखी है। हम नमक नहीं डाले थे तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। मसाला बुझा गया, अभी इसमें डालेंगे ढेर सारी धनिया पत्ती, क्योंकि मुझे धनिया पत्ती बहुत अच्छी लगती है, धनिया पत्ती का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने धनिया पत्ती डाल दिया। अब इसे भी मिला लेंगे। अब मैं ये जो जमाई थी ये भी पूरी सेट हो गई है, ये सबको हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल करके फिर हम उसमें पानी डाल करके देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे मसाले में और मिला लेंगे हम। अब उबाल आने तक हम इसे ढक देंगे। मसाले में उबाल आ चुकी है, अब हम इसमें सारी पीसेस को डाल देंगे। और ये पीसेस जो है ना, इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई या सेलो फ्राई। मैं इसे फ्राई नहीं की हूँ। और इसमें आप पीसने वक्त जैसे मैं अदरक और हरी मिर्च डाली, अगर आप लहसुन डालते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना होता है, तो मैं नहीं डाली। आप इसमें डाल सकते हैं। और मसाले में प्याज लहसुन जो भी आप डालें वो डाल सकते हैं। और इसे सेलो फ्राई करके अगर आप इसे सूखा भी खाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तो बस ऐसे ही इसे जमा करके इसमें डाल दी हूँ, ऐसे भी ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। अब इसे ढक करके हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। देखिए मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमने लड्डू गोपाल का खाना निकाल लिया है, जिसमें कि पुलाव है और ये सब्जी है। देखिए कितनी टेस्टी टेम्पटिंग लग रही है सब्जी। और ये पापड़ रोल बनाया है, तो आप भी इस तरह से बनाइए खाइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे श्याम।